यार क्या है, ये फिल्म मेरे एक दोस्त ने बनाई है और वो मेरा पुराना इलाहाबाद का दोस्त है इरशाद। और जब से पुराने दोस्त बचपन के होते हैं उन्होंने फिल्म बनाई है तो सपोर्ट करना लाजमी है। और बड़ी अच्छी कॉमेडी फैमिली फिल्म है ये और इसको लोग देखने आना आएंगे ज़रूर। और आप लोगों की मदद से मुझे लगता है कि लोग आएंगे जरूर देखने। तो ये क्या है, दोस्ती की पिक्चर है और याराना फिल्म है और कॉमेडी है। तो हमारे दोस्त इरशाद हैं, इन्होंने फिल्म बनाई है और इरशाद भाई इसके बाद मेरे बाद ये बताएंगे कैसे फिल्म जी। बम्पर ड्रॉ जैसा कि फिल्म का नाम है, हमने ट्रेलर में भी देखा कि लोग मुंबई आते हैं या लोग बम्पर ड्रॉ इस तरह की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ ड्रॉ निकले, लकी ड्रॉ निकले, हमारी चांदी चांदी हो जाए। तो तिग्मांशु जी ने कभी ऐसा ट्राई किया? मुंबई में तो कई सारी ऐसी चीज़ें लोग ट्राई अक्सर करते हैं। आपकी लाइफ कैसे कोई मूवमेंट जो बॉम्बे ड्रॉ हुआ था कोई या कभी लाइफ में ट्राई किया कि हाँ चलो? यार जब मैं पहली बार बॉम्बे आया था तो मैं इरफान के साथ घूम रहा था बॉम्बे, मैं भी ऐसे देख रहा था बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। अब आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक आदमी आया और उसने मेरे यहाँ पे ना कुछ ऐसे लगा के चला गया, मैं ऐसे देख रहा भाई अच्छा क्या, तो उस पर लिखा था वेलकम टू बॉम्बे। तब ये मुंबई नहीं हुआ था, ये 93-94 की बात है। तो इस पर लिखा था वेलकम टू बॉम्बे। मुझे लगा मुझे किसी ने बेवकूफ बनाया है कि ये आगे किसी जो मुझे ठग आगे मुझे ठगेगा उसका ये साइन है कि गुरु इसको ठगो, दिस गाय हैज बीन फ्लैग्ड, यू नो। तो मुंबई ऐसा शहर है जहाँ पे सब लोग अपनी किस्मत आजमाने आते हैं और ये माया नगरी है। देखिए क्या है, मुंबई ऐसा शहर है कि ये एक्चुअली ये बहुत बड़ा ऑफिस है, ये आप लोगों के लिए भी ऑफिस है, ये घर तो है नहीं। हम लोग बहुत बड़े ऑफिस में काम कर रहे हैं जहाँ हम रहते भी हैं अपने परिवार के साथ। और ऐसे ऑफिस में रहते हुए सबको 20-25 साल हो जाते हैं और ऐसे अगर ऑफिस में रहते किसी का बम्पर ड्रॉ लग जाए, अब ये समझना है कि उस बम्पर ड्रॉ से हम इस शहर को अपना घर बना पाते हैं कि वो ऑफिस ही रह जाता है, ये देखना फिल्म। हिमांशु जी, कोई जो घटना हुई है जो कल ही अर्थक्वेक आया इस तरह नेपाल में काफ़ी लोग आए? देखो ये फिल्म से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन दुखद घटना वाले एक जो होता है एक इंसान, मैं तो यार कहीं भी त्रासदी होती है तो आदमी को हर आदमी दुखी होता है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि अभी मैंने कुछ महीनों पहले ही मैं नेपाल गया था और उन्हीं जगहों पर मैंने शूटिंग की थी जहाँ पे त्रासदी हुई है।